आप बजट में अपने लिए कुर्ता सेट ढूंढ रहे हो ना, तो ये वीडियो बस आपके लिए है, क्योंकि सब अंडर 900 होने वाला है। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत 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 ज्यादा अच्छे होंगे। मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम मैं कोई हॉल बना रही हूँ जो अजियो से होने वाला है, तो सारे के सारे मैंने इसमें सूट सेट्स मंगाया और स्टार्टिंग होने वाले 600 में, और जो अंडर रुपीज होने वाला है तो वो है 900, कोई भी 1000 के आसपास का नहीं है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड ऑल्सो अगर आपने मेरे पहले के हॉल नहीं देखे हैं लाइक मिंत्रा, मीशो, तो मैंने बहुत सारी कैटेगरी बनाई है मीशो से, आप वो वीडियो देख सकते हो, यहाँ पे आपको इतनी सारी कैटेगरी दिख जाएंगी। तो प्लीज़ वीडियो को देख लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, मेरे चैनल आपको लगता है कि सब्सक्राइब करने लायक है, आपको कलेक्शन समझ में आता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर जाना और वीडियो को लाइक भी कर देना और प्यारा सा कॉमेंट भी आप कर सकते हो, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। जैसे मैं आप लोगों के लिए कलेक्शन ला रही, थोड़ी मेहनत कर रही हूँ, तो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सब यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने अभी तक कोई भी पार्सल ओपन नहीं किया, तो मैं यहाँ पे वन बाय वन ओपन करूंगी फटाफट से, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। तो फर्स्ट मैं ये वाला पार्सल ओपन करती हूँ, एंड यहाँ पर प्राइस मेंशन है ये कितने रुपए का है। तो मैंने इसको ऑर्डर किया है 722 रुपीज़ में। इमेज आपको यहाँ का ही मिल जाएगी, आप देख लेना किस तरीके का था। तो मैं इसको आपको फटाफट से ना ओपन करके दिखाती हूँ ये मुझे किस तरीके का रिसीव हुआ है। ये पूरा ना पार्टी वेयर कलेक्शन है, आप यहाँ पे देख सकते हो, पॉलीपैक के अंदर ही इसका प्रिंट डिज़ाइन वगैरह दिख रहा है। फटाफट से मैं इसको ओपन करके बताती हूँ आपको इसकी क्वालिटी कैसी है। ओके, तो ये कुर्ता आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, कलर एग्जैक्ट सेम आया है जैसा वहाँ पर दिखाया गया था। एम्ब्रॉयडरी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, आप यहाँ पर ही देख सकते हो, सिक्विंस का वर्क आपको मिल जाएगा और इसमें सिंगल कलर अवेलेबल था जो ये मैंने मंगाया है मेहंदी ग्रीन। कलर पिटी है, क्वालिटी भी मेरे को डिसेंट क्वालिटी इसकी लग रही है, डिटेलिंग आप यहाँ पर देख सकते हो। पीछे से ये प्लेन है, बट मुझे लगा था ना कि ये कुर्ता विद पैंट आएगा और मेरे को खाली कुर्ता रिसीव हुआ है, तो मैं अभी इसको चेक करके बताती हूँ कि ये सिंगल कुर्ता था या फिर इसके साथ पैंट्स भी थे। इसमें आपको ना सिंगल कुर्ता मिलेगा, मैंने इसको 720 रुपये में खरीदा है, बट अभी ये 650 के आसपास है, तो मैंने इसका अभी प्राइस चेक किया है, तो क्वालिटी वाइज तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मैं बाकी इसको ट्राई ऑन करके दिखाती हूँ और इसका बाकी का लुक आपको दिखाती हूँ। तो गाइज, मैंने ना इस कुर्ते में मंगाया है स्मॉल साइज, जो मेरे को थोड़ा सा लूज आ रहा है, इसलिए मैंने पीछे इसको क्लिप किया हुआ है। कलर आपको एग्जैक्ट सेम मिल जाएगा जैसे वहां पर दिखाया गया, तो क्वालिटी भी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, बट अकॉर्डिंग टू मी मेरे को 720 में ये महंगा है, खाली अगर कुर्ता कुर्ता मिलता है तो। बाकी आपके ऊपर है कि आपको आपका प्राइस क्या है, आपका बजट क्या रहता है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। क्वालिटी वाइज मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, फ्रंट से प्रॉपर ये कुछ इस तरीके का लुक देगा, ब्राउन कलर के पैंट्स के साथ ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा, एंड बैक से कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना नेक्स्ट आउटफिट। चलो अब मैं दिखाती हूँ आपको 600 रुपये का कुर्ता, जो सबसे कम रेंज में मैंने मंगाया है, कि उसकी क्वालिटी कैसी है। फर्स्ट हम इसको ओपन कर लेते हैं फटाफट से। तो इसमें ना कुछ तो पार्टी वेयर कुर्ता मैंने मंगाए हैं और कुछ मैंने मंगाए हैं समर को ध्यान में रखते हुए, कॉटन के बेसिकली, तो मैं इनको फटाफट से आपको दिखाती हूँ। ऑलमोस्ट सभी में ना मैंने साइज़ मंगाया स्मॉल, क्योंकि सबसे छोटा स्मॉल जो अजियो पे था वो था, मतलब सबसे छोटा जो साइज़ था जियो पे वो स्मॉल था, तो मैंने स्मॉल मंगाया। पहले मैं आपको दिखाती हूँ इसका कुर्ता। कुर्ता आपको कुछ इस तरीके का दिख जाएगा, डिटेलिंग आप देख सकते हो, काफ़ी नीट एंड क्लीन यहाँ पर दे रखा है इन्होंने नेक एम्ब्रॉयडरी, ठीक है। पैरेट ग्रीन आपको कलर मिल जाता है, बैक से पूरा का पूरा प्लेन है, एंड साथ में इसके पैंट्स आई है जो कि सेम ही फैब्रिक है, और इसमें आपको साथ में मिल जाती है पॉकेट, सिंगल साइड आपको पॉकेट मिल जाएगी राइट में, ठीक है। क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी इसकी भी, एंड साथ में आपको इसके कॉटन का दुपट्टा मिलता है जिसकी विड्थ थोड़ी कम है, बट लेंथ बहुत अच्छी है, तो लड़कियों के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा एज वेल एज वुमेन के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा, अगर आप घर में पहनते हो या फिर ऑफिस कॉलेज के लिए इसको वियर करते हो। तो क्वालिटी तो मेरे को काफ़ी इसकी अच्छी लगी है, बट अभी मैं इसको ट्राई ऑन करके दिखाती हूँ। सो गाइज, ये कुर्ता जैसा मैंने देखा था वैसे मेरे को रिसीव तो हुआ है, क्वालिटी भी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। फिटिंग की अगर मैं बात करूं तो मैंने इसमें स्मॉल साइज मंगाया, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें सबसे छोटा साइज जो था वो स्मॉल था, तो मेरे को थोड़े से लूज हो सकते हैं, तो आप इस चीज़ को माइंड मत करना, बट जो स्मॉल साइज वेयर करते हैं ना उनको परफेक्ट फिट हो जाएगा, क्योंकि मेरे को मेजरमेंट के हिसाब से काफ़ी सही लग रहा है। आपको डिटेलिंग की अगर मैं बात करूँ तो डिटेलिंग काफ़ी नीट एंड क्लीन यहाँ पर मिल जाती है, सेम वैसे ही दिख रहा है, ठीक है। पैंट की अगर बात करूँ तो पैंट थोड़ी सी इसकी ना ज़्यादा इसमें लेंथ नहीं दी गई है, मतलब तो ये 5'2" तक जिन लोगों की लेंथ है उनको आ जाएगी, मतलब जिन लोगों की हाइट है। फ्रंट से पूरा कुछ इस तरीके का ये लुक देगा, एंड बैक से कुछ इस तरीके का लुक देगा, और इसके अगर मैं दुपट्टे की बात करूँ तो लेंथ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, विड्थ थोड़ी सी आपको कम मिलेगी इस तरीके की, लड़कियों के लिए ठीक है वो ज़्यादा, क्योंकि दुपट्टा वगैरह सिर पर नहीं रखती, तो इतनी लेंथ इतनी विड्थ चल जाती है, ठीक है। तो ये भी क्वालिटी के हिसाब से मेरे को काफ़ी अच्छा लगा 600 रुपीज़ में। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना नेक्स्ट आउटफिट। ओके, तो मैं दिखाती हूँ आपको ये पार्सल जिसका प्राइस है 720 रुपये, और ये भी अगेन कॉटन में मैंने मंगाया था, तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके का मेरे को रिसीव हुआ है। इसमें भी स्मॉल साइज़ है,
तो इसको ओपन करते हैं। इसके साथ ना पूरा सेट मिलेगा, दुपट्टा भी है, पैंट भी है, और इसके साथ आपको कुर्ता भी मिल जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कुर्ता पूरा का पूरा ना फ्लोरल प्रिंट आपको इस कुर्ते पे मिल जाता है, कॉटन का फैब्रिक मिल जाएगा, और कलर मेरे को काफी अच्छा लगा। यहाँ पर आपको स्लीव्स में थोड़ा सा बॉर्डर लगा के मिल जाएगा, ठीक है। और इसके साथ है पैंट जो कि व्हाइट कलर में है, कॉटन का फैब्रिक अगेन इसका है, इलास्टिक मेरे को काफी अच्छी लगी और पैंट का साइज भी मेरे को अच्छा लग रहा है, फिट हो जाएगा। बाकी पहनने के बाद मैं आपको उसको दिखाती हूँ। एंड साथ में इसके है दुपट्टा जो कि अगेन कॉटन के मटेरियल में है, और सेम जैसा दुपट्टा जैसा कुर्ते पे वर्क किया गया वैसे ही आपको यहाँ पे वर्क मिल जाएगा। डिटेलिंग आप इसकी देख सकते हो, प्रिंट काफी नीट एंड क्लीन बना रखे हैं, और इसकी क्वालिटी ना बहुत अच्छी है, बहुत सॉफ्ट मटेरियल है जो कॉटन में अच्छे लगते हैं। तो वैसे तो मेरे को सही लगा अकॉर्डिंग टू प्राइस, बट अभी इसको ट्राई ऑन करके दिखाती हूँ एंड इसका बाकी का रिव्यू देती हूँ। नो डाउट कुर्ता तो पहनने में बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को इसका प्रिंट वगैरह भी ना बहुत पसंद आया। स्मॉल साइज में मेरे को रिसीव हुआ था, थोड़ा सा यहाँ से लूज है, बट एक ड्रॉबैक मेरे को इसका ये लगा कि पैंट ना स्मॉल साइज के हिसाब से काफी ज्यादा छोटी है, इसका क्रॉच एरिया भी कम है, और दूसरी इसकी लेंथ भी इतनी नहीं है। अगर आपकी थोड़ी सी भी हाइट ज्यादा ना, लाइक मेरी 5 फीट है, तो मेरे को तो ये फिट आ रहा है, मेरी बैली बटन के आसपास है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी 5'2" या उससे ज्यादा तो ये आपको बिल्कुल भी फिट नहीं होगी। तो पैंट मेरे को नहीं लगा कि फिटिंग के हिसाब से सही दी है। बैक से पूरा कुछ इस तरीके का दिखेगा एंड फ्रंट से कुछ इस तरीके का आपको लुक देगा। आपको मैं फ्लेयर दिखाती हूँ, फ्लेयर कुछ आपको इतना मिल जाएगा, कॉटन का फैब्रिक है, पहनने में तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। दुपट्टे की लेंथ विड्थ आप देख सकते हो यहाँ पे, दुपट्टा भी मेरे को काफी सही लगा, प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ इट है, बट पैंट थोड़ी सी मेरे को इसकी लगी कि फिटिंग का इशू है, वैसे ठीक था। चलो अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना नेक्स्ट आउटफिट। ओके, तो अभी तक तो हॉल में ना मजा आ रहा है, मेरे को सही लगे जो मैंने 4 प्रोडक्ट अभी तक आपको दिखाए। अब मैं दिखाती हूँ आपको नेक्स्ट आउटफिट जिसका जो प्राइस है वो है 690 रुपीज। इमेज आपको यहीं कहीं मिल जाएगी, कलर का मेरे को आइडिया नहीं है क्योंकि कलर ना वहाँ पे एक ही दिखा था, तो इस वाले का फिर अभी कुछ चेंजेस हो गए हो तो मेरे को नहीं पता। ये कलर ये मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके का, ये भी मेहंदी ग्रीन कलर है। तो यहाँ पर ये पूरा ना पेयर था, अब मुझे नहीं पता इन्होंने क्या क्या मुझे भेजा है। ओ शिट मैन, इसके साथ पैंट गायब है। तो ये कुर्ता ना कुछ इस तरीके का मिलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो ये जरी का वर्क कर रखा है, गोटा लेस यहाँ पे लगा रखा है, बेसिकली जरी नहीं है, ठीक है। डिटेलिंग मेरे को काफी अच्छी लगी है, प्रिंट भी मेरे को काफी अच्छा लगा, फैब्रिक बहुत ज्यादा इसका सॉफ्ट है, अनारकली पैटर्न में आपको ये मिल जाता है, शायद अनारकली है ना ये, हाँ अनारकली पैटर्न में आपको ये कुर्ता मिल जाता है। लेकिन यार मेरे को ना समझ नहीं आ रहा, मैंने अजियो से जो ऑर्डर किया है ना, तो मेरे को यही नहीं पलने पड़ रहा है कि मैंने उसको खाली पैंट आने वाली है, खाली कुर्ता आने वाला है, या फिर खाली दुपट्टा और कुर्ता आने वाला है। तो फर्स्ट टाइम मैंने किया था, मुझसे भी कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं, कुछ मैंने पढ़ा नहीं होगा वहाँ पर ध्यान से, तो यही चीज़ थी बस। इसके साथ मेरे को कुर्ता मिला है और साथ में मिला है इसके ये दुपट्टा। लेट्स सी ये पहनने के बाद कैसे लुक देता है और इसकी क्वालिटी वगैरह पहनने के बाद कैसे दिखती है। ओके, तो अगर मैं इस कुर्ते की बात करूँ ना, डिटेलिंग वगैरह मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी नीट एंड क्लीन इस पर वर्क आपको मिल जाएगा। फ्लेयर आपको इसमें कुछ ज़्यादा नहीं मिलता है, ए लाइन पैटर्न में मिलता है, तो बहुत कम फ्लेयर इसमें मेरे को, ये ना थोड़ा मैक्सी टाइप वाइब दे रहा है। तो फ्रंट से पूरे कुछ इस तरीके का दिखेगा और ये स्लीवलेस पैटर्न में है, इसमें कोई भी स्लीव आपको अटैच करके नहीं मिलेगी। बैक से कुछ इस तरीके का दिखेगा, स्मॉल साइज मैंने इसमें ऑर्डर किया है, इसके साथ कोई पैंट नहीं आएगी। और अभी ये ना 650 रुपये का मिल रहा है। दुपट्टे की अगर मैं बात करूँ तो दुपट्टा आपको शिफॉन फैब्रिक का मिल जाता है, जिसमें एवरेज क्वालिटी आपको मिलती है, एंड इसकी लेंथ और विड्थ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। बट अकॉर्डिंग टू प्राइस मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये महंगा है, ना ही इसके साथ पैंट और ना ही इसका वो लुक आ रहा है जो आना चाहिए। और आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लेना है या नहीं लेना है। अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना नेक्स्ट आउटफिट, अब मैं दिखाती हूँ आपको नेक्स्ट पार्सल इसमें क्या मेरे को रिसीव हुआ है। बट इस पार्सल को ओपन करने से पहले, अगर आप समर्स में मेरी तरह स्लीवलेस ड्रेसेस पहनना पसंद करते हो, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है, तो उसके साथ एक खतरा होता है कि एक तो आपके जो है हेयर रिमूव होने चाहिए, बहुत ही क्लीन होना चाहिए आपका हैंड, दूसरा ये समर में टैनिंग बहुत जल्दी चढ़ती है, तो आपके हाथों पे टैनिंग नहीं चढ़नी चाहिए। तो इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ न्यूड की एंटी टैनिंग हेयर रिमूवल क्रीम। इस बॉक्स में आपको 2 ट्यूब मिल जाती है, जिसकी जो कॉस्ट है वो है 350। इसके अंडर भी आपको ये मिल जाएगी ऑनलाइन वेबसाइट्स पे, तो इसमें आप कुछ इस टाइप की ये 2 ट्यूब मिल जाएंगी, और ये 50 ml की आपको ट्यूब मिल जाती है। साथ में आपको हेयर रिमूवल टूल मिलता है, जो इससे काफ़ी यूज़ होता है आपको हेयर रिमूव करना, एंड मैं इसको पर्सनली बहुत यूज़ करती हूँ, क्योंकि इससे एक तो मेरे जो हेयर है वो बहुत जल्दी रिमूव हो जाता है, और साथ ही साथ जो मेरी टैनिंग होती है ना समर में, वो भी बहुत जल्दी रिमूव हो जाती है। और अब फटाफट मैं आपको दिखाती हूँ इसको यूज़ कैसे करना है। आई हैव एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ राइट नाउ एंड इट्स आइडल फॉर रिमूविंग अनवॉन्टेड बॉडी हेयर फ्रॉम आर्म, लेग एंड योर बैक। इसको अप्लाई करना बहुत ईजी है, तो सबसे पहले आपको जहाँ के भी हेयर रिमूव करना है, चाहे वो आपके हाथ के हों या पैर के हों, आप इस क्रीम को लगाओ एंड इसको इवनली अप्लाई करो।
पूरे एरिया पे, ठीक है। एंड उसके बाद आपको वेट करना है ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट और इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। एंड आपको इसको रिमूव करना है, जो भी इसके साथ टूल है आप उससे भी रिमूव कर सकते हो, एंड आप किसी वेट क्लॉथ को भी ले सकते हो इसको रिमूव करने के लिए। इसमें आपको कोजिक एसिड मिलता है जो आपकी स्किन डार्कनिंग पे काम करता है, एंड पपाया एक्सट्रैक्ट है जो आपकी हेयर ग्रोथ को स्लो करता है, साथ ही साथ इसमें एलोवेरा जेल है जो आपकी स्किन को स्मूथ बनाता है और स्किन इरिटेशन से भी बचाता है, साथ ही साथ आपको सन टैन से भी बचाता है। एंड यहाँ पर आप मेरे दोनों हाथों में डिफरेंस देख सकते हो, मेरी टैनिंग भी रिमूव हो गई और मेरे अनवांटेड हेयर भी रिमूव हो गए हैं। इट्स पेनलेस एंड अफोर्डेबल अनवांटेड हेयर रिमूवल मेथड, इजिली अवेलेबल ऑन Amazon एंड Flipkart, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, सो प्लीज डू चेक इट आउट। ओके, तो आप फटाफट से ना पार्सल ओपन करते हैं। इसमें दो मेरे को पार्सल रिसीव हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वांटिटी भी लिखी है। तो इसका जो पूरा प्राइस है वो है 1389 रुपये। तो मेरे को याद नहीं कि एक प्रोडक्ट की इसमें कॉस्ट क्या है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ पार्सल। तो ये दो कुर्ता है जो मेरे को इसमें मिले हैं, ये मेरे को ना पर्सनली बहुत पसंद आए थे ऑनलाइन। तो फर्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ ये पिंक वाला कुर्ता। ओके, तो इस कुर्ते में आपको पूरे के पूरे कुर्ते में ना ऐसे प्रिंट मिल जाएगा, आप ये देख सकते हो। क्वालिटी मेरे को बहुत अच्छी लगी इसकी ना, सॉफ्ट जॉर्जेट का आपको फैब्रिक मिल जाता है और प्रिंट बहुत अच्छे से कर रखा है। नेक की डिटेलिंग मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी फिनिशिंग के साथ इन्होंने नेक बना रखा है। साथ में आपको स्लीव मिल जाएगी जो कि हाफ स्लीव है, यहाँ पे आपको कोई भी लाइनिंग अटैच करके नहीं दी जाएगी और यहाँ पे आपको ये गोटालेस का वर्क मिल जाएगा, ठीक है। साथ में इसका आया है पैंट जो कि प्लेन है और आपको यहाँ पे आधे में वर्क मिल जाएगा ये बेल्ट का, और पीछे की साइड आपको इलास्टिक मिल जाएगी। इसमें आई गेस कोई पॉकेट आपको नहीं मिलेगी, यस इसमें कोई पॉकेट नहीं है। फैब्रिक बहुत ज़्यादा हल्का है, पहनने में मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी कंफर्टेबल होगा और बाकी पता चलेगा पहनने के बाद। साथ में आपको इसके दुपट्टा मिल जाता है जो अगेन जैसा कुर्ता था वैसा ही आया है। तो इसका भी क्वालिटी मेरे को अच्छी लगी, लेंथ विड्थ मेरे को काफ़ी सही लग रही है। यहाँ पे आपको हर कोने में इसकी टैसल्स मिल जाएगी, अभी तक तो ये सही लग रहा है, अकॉर्डिंग टू प्राइस मेरे को ठीक ही लग रहा है। ये 700-800 रुपये में ही है। अब मैं आपको इसको ट्राई ऑन करके दिखाती हूँ और इसका बाकी का रिव्यू देती हूँ। ये कुर्ता पहनने में काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल और बहुत सॉफ्ट इसका फैब्रिक मेरे को मिला है। फ्रंट से आपको कुछ इस तरीके का इसका लुक मिल जाएगा पूरा का पूरा, एंड बैक से कुछ इस तरीके का दिखेगा। फिटिंग मेरे को इसकी बहुत अच्छी आई है, आई गेस इसमें एक्स्ट्रा स्मॉल साइज मैंने ऑर्डर किया होगा तो फिटिंग उसके हिसाब से बहुत अच्छी आई है। और साथ में आपको दुपट्टा मिलता है जिसकी लेंथ और विड्थ काफ़ी अच्छी है, आप यहाँ पर इसकी लेंथ विड्थ देख सकते हो। कलर एग्जैक्ट सेम है, ना ही ज़्यादा डार्क है और ना ही ज़्यादा लाइट मेरे को दिख रहा है, ठीक है। पैंट की अगर मैं बात करूँ तो पैंट की क्वालिटी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, बैठने में भी कंफर्टेबल है, बट ये ना बिल्कुल फिटिंग की ही मिल रही है तो आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से ही मंगाना। अगर आपकी हाइट 5 फीट से ज़्यादा है तो मे भी हो सकता है ये आपको, पैंट जो है इसकी थोड़ी सी लेंथ में छोटी है तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना, आप एक साइज अप कर सकते हो लेंथ के लिए पैंट की, ठीक है। वैसे ऑल ओवर कुर्ता मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, तो आपने लुक इसका देख ही लिया है। अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना नेक्स्ट आउटफिट, फटाफट से मैं आपको दिखाती हूँ अपना नेक्स्ट पार्सल कि मैंने क्या ऑर्डर किया है। तो इसमें मैंने एक स्लीवलेस कुर्ता ऑर्डर किया था, कलर मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, पीच कलर में आपको ये कुर्ता मिल जाता है। इस तरीके का आपको पैटर्न मिल जाएगा, काफ़ी नीट एंड क्लीन इस पर वर्क किया गया, जो प्रिंट यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। फैब्रिक इसका कॉटन का है तो मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, और इसमें मैंने ऑर्डर किया स्मॉल साइज। साथ में इसके पैंट आएगी, अगेन सेम क्वालिटी की आपको पैंट मिल जाएगी, सेम ही आपको यहाँ पर प्रिंट मिल जाएगा और इसमें यहाँ पर आपको कोई पॉकेट नहीं दी गई है, ठीक है। साथ में आपको मिलता है इसके दुपट्टा, जिसमें पूरा दुपट्टा आपको मिलता है नेट का, और सारे के सारे दुपट्टे पे ना आपको कॉर्नर में ऐसे कुछ लेस लगा के दी गई है जो कि सेम कुर्ते के फैब्रिक से लिया गया है, ठीक है, बॉर्डर बना रखा है। और यहाँ पे आपको टैसल्स मिल जाएगी, अभी जो मैं डिज़ाइन देख रही हूँ ना सभी दुपट्टों में आपको ऐसे टैसल्स दे रखे हैं हर दुपट्टे के मतलब कॉर्नर पे, तो ये शायद से कोई नया पैटर्न चालू हुआ होगा। वैसे सही लग रहा है मेरे को, अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसका ट्राई ऑन करके एंड बाकी का रिव्यू देखती हूँ। अगर मैं इस कुर्ते की बात करूँ ना तो कुर्ता पहनने में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और फैब्रिक भी इसका बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। आपको कुछ इस तरीके का कुर्ता इसमें दिख रहा होगा, पूरा का पूरा जो लुक आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा, एंड बैक से कुछ इस तरीके का आएगा। मेरे को थोड़ा सा लूज था तो मैंने इसको क्लिप ऑन किया है। स्लीव्स इसकी काफ़ी अच्छी है, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा ये लूज़ है यहाँ से, वरना आपकी बस्ट वगैरह शो होती है, ठीक है। पैंट की अगर मैं बात करूँ तो पैंट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बट जिनकी ज़्यादा लेंथ है ना मतलब जिनकी ज़्यादा हाइट है उनको ये फिट नहीं होगी, क्योंकि ये लोग बहुत कम लेंथ दे रहे हैं। तो 5'2" जिनकी है वो इसको ऑर्डर कर सकते हैं, प्राइस के हिसाब से मेरे को काफ़ी सही लग रहा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। साथ में इसके दुपट्टा मिलता है जिसकी लेंथ और विड्थ आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की मिल जाएगी। इसकी जो विड्थ है 1 मीटर के आसपास है और लेंथ आपको मिल जाएगी 2.5 के अराउंड, तो कुछ इस तरीके का प्रॉपर ये लुक आएगा। तो मेरे को ठीक लगा, मैं दिखाती हूँ आपको अपना नेक्स्ट आउटफिट।
ओके, तो इस कुर्ते का जो प्राइस है वो है 784 रुपीज। इमेज आपको यहाँ मिल जाएगी किस तरीके का कुर्ते था। ये पार्टी वेयर कुर्ता है तो मैंने इसको ओपन कर लिया है। यहाँ पे इसके साथ आपको मिलता है सूट, जिसमें आपको पूरे के पूरे कुर्ते में ना जरी वर्क मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे इसकी डिटेलिंग देख सकते हो, कुछ इस तरीके की आपको डिटेलिंग मिलेगी। और जरी वर्क के साथ आपको थोड़ा सा सिक्वेंस का वर्क मिलेगा और सारे कुर्ते पे आपको मिलेगा बूटी का वर्क, ठीक है। साथ में जो स्लीव्स दे रखे हैं उसमें आपको सिक्वेंस के साथ थोड़ा सा जरी का वर्क मिल जाएगा। पीछे ये बिल्कुल प्लेन मिलेगा और मैंने इसमें ऑर्डर किया था स्मॉल साइज। और इसकी आपको मिलती है पैंट जो अगेन सेम फैब्रिक में आपको मिल जाएगी, बट मेरे को लगा इसकी थोड़ी सी ना वेस्ट लाइन जो है लूज होने वाली है। और यहाँ पे आपको इसमें पॉकेट नहीं दी गई है, ठीक है। एंड इसके साथ एक और मिलता है दुपट्टा आपको, तो दुपट्टे का फैब्रिक मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ना ये शिफॉन है ना ही जॉर्जेट, तो लेंथ आपको सही मिल जाती है बट इसकी विड्थ आपको कम मिलेगी। और सारे पे ना आपको यहाँ गोटा लेस का वर्क मिल जाएगा। प्लेन आपको दुपट्टा मिल रहा है और ये 700 का आई थिंक है, इतने में मैंने अभी आपको बताया। तो उसके हिसाब से तो पार्टी वेयर मेरे को सही लग रहा है, बट अभी बाकी है इसकी फिटिंग वगैरह कैसे आती है और ये कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है पहनने में। तो चलो फटाफट से ट्राई ऑन करते हैं। ओके, अगर मैं इस कुर्ते की बात करूँ तो क्वालिटी तो मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही है। पहनने में बहुत ज़्यादा लाइट वेट है बट इसकी ना फिटिंग थोड़ी सी वियर्ड है। मैंने इसमें स्मॉल साइज मंगाया और इसकी ये जो बस्ट एरिया है वहाँ से तो मेरे को फिट आ रहा है, बट इसकी वेस्ट लाइन बहुत ज़्यादा लूज है और आप इसकी हिप भी देख सकते हो। तो फिटिंग इन्होंने बिल्कुल भी अच्छी नहीं की है। फ्रंट से ये कुछ इस तरीके का आपको प्रॉपर दिख जाता है एंड बैक से ये पूरा का पूरा प्लेन मिलेगा। अगर मैं पैंट की बात करूँ तो पैंट मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा लूज है, लेंथ तो इसकी कम है बट ये बहुत ज़्यादा लूज है। इसकी वेस्ट लाइन से ना बेल्ट इन्होंने बहुत लूज बनाई हुई है। आपको कुछ प्लेन आपको ऐसी पैंट मिल जाएगी, तो मेरे को जो है इसकी फिटिंग वगैरह इतनी समझ में नहीं आई। दुपट्टे की लेंथ विड्थ मैं आपको दिखाऊं वेयर करने के बाद, तो कुछ इस तरीके की आएगी लेंथ विड्थ। अकॉर्डिंग टू प्राइस मेरे को सही नहीं लगा, मैं अगर अपनी पर्सनली बोलूँ तो, क्योंकि फिटिंग इसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना नेक्स्ट आउटफिट। पहला कुर्ता सेट 884 रुपीज का है और ये ना इस हॉल का सबसे महंगा है, तो मैं इसको फटाफट से आपको दिखाती हूँ किस तरीके का मेरे को रिसीव हुआ है। ऑलराइट, तो इस वाले कुर्ते को ना मैं मीशो पर भी, मिंत्रा, अमेजन, इतने सारे जो प्लेटफॉर्म है सब पे देख रही हूँ बहुत टाइम से। तो कुछ इस तरीके का आपको इसका कुर्ता मिल जाएगा। ये ना डिटेलिंग मेरे को बहुत अच्छी लग रही है, काफ़ी नीट एंड क्लीन कर रखी है और ये कॉटन का फैब्रिक है आई गेस। और नीचे आपको मिल जाती है इसमें लाइनिंग जिसकी क्वालिटी मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही है। सेम ही पैटर्न आपको स्लीव्स में मिल जाएगा। बैक से ये बिल्कुल प्लेन है, ठीक है। और साथ में इसका ये पैंट जो सेम फैब्रिक की है जो कुर्ता बना रखा है, पूरे पे आपको इलास्टिक मिल जाएगी पूरी की पूरी बेल्ट पे। और साथ में जो इसकी दुपट्टा है वो नेट की है, तो नेट की क्वालिटी ज़्यादा खास नहीं है, एवरेज क्वालिटी मैं कहूँगी, थोड़ा टाइट है इसका नेट। और यहाँ पर आपको ये फ्रिल का डिज़ाइन मिल जाएगा दोनों साइड पर, ठीक है। अब मैं इसको फटाफट से ना आपको ट्राई ऑन करके दिखाती हूँ। ओके, अगर मैं इस कुर्ते की बात करूँ ना तो मेरे को ये बिल्कुल भी वैसा नहीं लग रहा जैसे मैंने मॉडल पर देखा था। उसमें जॉर्जेट का फैब्रिक दिख रहा था जैसे वहाँ पर उन्होंने फिनिशिंग दिखाई थी। और अगर मैं कुर्ते में दिखाऊं तो यहाँ पे आपको ना आधी लाइनिंग मिलेगी बस, आपको यहाँ हिप एरिया तक लाइनिंग मिलेगी, मैं आपको दिखा देती हूँ इतनी, और बाकी में आपको लाइनिंग नहीं मिलेगी। कुर्ते की जो इसके साथ जो पैंट है ना वो बहुत ज़्यादा टाइट है, मुझे भी बहुत ज़्यादा टाइट आ रही है, तो पैंट तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइट आ रही है ये, ठीक है। फ्रंट से कुछ इस तरीके का दिखेगा एंड बैक से कुछ इस तरीके का दिखेगा। और जो दुपट्टा है लेंथ विड्थ कुछ आपको इस तरीके की मिल जाएगी। सबसे अच्छा मेरे को इसका फ्रिल डिज़ाइन लगा और कुछ मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो मुझे लगता है ये अकॉर्डिंग टू प्राइस वर्थ इट नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। अब बाकी आप देख लेना, अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना नेक्स्ट आउटफिट। इस कुर्ते की इमेज ना आपको यहाँ पे दिख जाएगी, मैंने इसको पहले ओपन कर लिया है क्योंकि बहुत टाइम लगता है वीडियो में ओपन करने में, तो फटाफट से इसको दिखाती हूँ। और मैंने इसमें मंगाया एक्स्ट्रा स्मॉल साइज, तो ये बांधनी प्रिंट आपको कुर्ता मिल जाएगा। इसके साथ पैंट भी वहाँ पर दिखाई गई थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके का है। यहाँ पे आपको इस तरीके का ये कुर्ता मिल जाएगा, इतने एरिया में आपको मिल जाता है इसके अस्तर लगा के, और सारा ना यहाँ पे आपको प्लेन मिल जाएगा, कोई भी लाइनिंग अटैच करके नहीं दी गई है। और यहाँ पे आपको स्लिट मिल जाएगी, ठीक है। साथ में है इसकी बॉटम जो कि बिल्कुल सॉलिड प्लेन है, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लैक कलर में मिल जाएगी। और सामने की तरफ आपको बेल्ट बना के दे रखी है और बैक में आपको दे रखी है इलास्टिक। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और इसमें शायद आपको पॉकेट भी दे रखी है, तो यहाँ पे आपको एक साइड पे पॉकेट दे रखी है जिसकी लेंथ मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही है। फटाफट से ना इसको ट्राई ऑन करके दिखाते हैं, इसका बाकी का रिव्यू देती हूँ। कुर्ता पहनने में तो बहुत कंफर्टेबल है और इसकी ना फिटिंग भी मेरे को बहुत अच्छी आई है। इसमें मैंने ऑर्डर किया एक्स्ट्रा स्मॉल साइज, स्लीव से भी काफ़ी अच्छे से फिट हो गया और पूरा बस्ट एरिया से भी काफ़ी फिट हो गया। यहाँ पे आपको मिल जाती है इसकी स्लिट दोनों साइड पे, ठीक है। और नायरा कट पैटर्न में आपको ये कुर्ता मिल जाएगा। यहाँ पे आपको लेस की डिटेलिंग दे रखी है और इसमें ना आपको योग एरिया पे मतलब बस्ट एरिया तक आपको लाइनिंग मिलेगी और इसके अलावा कहीं पर भी आपको लाइनिंग नहीं मिलेगी। पैंट की अगर मैं बात करूँ तो वैसे तो फिटिंग काफ़ी अच्छी है, बट ये तब मैं इसको पहन रही थी ना तब ये थाई पे बहुत ज़्यादा टाइट हो रही थी, मतलब इसमें जो इलास्टिक का वर्क है वो थोड़ा सा कम है, तो मुझे तो फिट नहीं हो रही, बहुत मशक्कत करनी पड़ी। फ्रंट से कुछ इस तरीके का प्रॉपर इसका लुक आपको मिल जाता है एंड बैक से कुछ इस तरीके का मिल जाएगा।
समर के लिए मुझे लग रहा है काफी अच्छा है, बट आप अपनी पैंट के अकॉर्डिंग को देख लेना। अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना नेक्स्ट आउटफिट, हो गया फटाफट मैं आपको दिखाती हूँ इस हॉल का लास्ट आउटफिट। तो इसका जो प्राइस है वो है 870, फटाफट से ओपन करते हैं यार। ये कुर्ता ना मेरे को सबसे लास्ट में रिसीव हुआ है और ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, इसके साथ पैंट आई हो, अगर कुर्ता कुर्ता है तो बहुत महंगा है भाई ये। इसमें खाली कुर्ता है, इसके साथ पैंट नहीं आया, मतलब ये 870 रुपये में खाली कुर्ता है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो यार ये बहुत ज़्यादा महंगा है। अगर कुर्ता कुर्ता आता है तो आप यहाँ देख सकते हो, बांधनी प्रिंट का कुछ आपको स्टाइल मिल जाएगा, जॉर्जेट का फैब्रिक है और आपको यहाँ पे ये मिल जाता है इसका योकरी पे वर्क। वैसे क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी, काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है। बाकी मैं आपको ना ट्राई ऑन करके दिखा देती हूँ इस कुर्ते का, ये पहनने में कैसा लगेगा। ये कुर्ता ना व्हाइट कलर की बॉटम के साथ ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगा, बट मैंने इसको ब्लैक के साथ वेयर किया क्योंकि अभी मेरे को कुछ व्हाइट मिला नहीं। फ्रंट से कुछ इस तरीके का मिल जाएगा आपको लुक। अगर डिटेलिंग की मैं बात करूँ तो फिनिशिंग मेरे को अच्छी लगी, बहुत अच्छे से यहाँ पे इन्होंने काम किया हुआ है और दिख भी वैसे ही रहा है जैसा वहाँ पर दिखाया था। स्लीव्स थोड़ी सी यहाँ से ना ये चुभ रही है, यहाँ पे जो इन्होंने स्टिचिंग की हुई है तो थोड़ी सी मेरे को ये चुभ रही है। और दूसरी बात ये मेरे हिसाब से तो भाई ये ना बहुत ज़्यादा महंगा है, 800 रुपये में मैं खाली कुर्ता नहीं पहन सकती हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके बजट में ये आ सकता है, जो 800-900 के कुर्ते पहनते हैं तो वो लोग इसे ले सकते हैं। क्वालिटी वाइज मेरे को काफ़ी अच्छा लगा और वैसे देखने में भी काफ़ी अच्छा है और कलर भी मेरे को बहुत प्रीटी लगा, बट मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। आई होप ये कलेक्शन आपको पसंद आया हो। जैसा मेरा रिव्यू मैंने आपको दिया वो जेन्युइन रिव्यू था, जो मुझे पसंद आया वो मैंने आपको बता दिया और जो मुझे पसंद नहीं आया वो भी मैंने आपको बता दिया। वीडियो अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड कोई प्यारा सा कमेंट भी दे दिया करो यार। एंड अब मैं मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग सी हॉल के साथ, तब तक के लिए बाय।